नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर लेकर के मैं आया हूं और आप इस खबर को सुनने के बाद आप भी चौंक जाओगे कि इतनी बड़ी खबर है ये, क्योंकि इसके अलावा आपको किसी भी YouTube के चैनल पे नहीं मिलेगा और ना ही मिलेगा आपको, चाहे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल क्यों ना हो उन सब पे मिलेगा। बस ये मिलेगा तो बस आपको हमारा चैनल पे। तो चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शबनम केस में। एक बहुत बड़ी खबर आई है कि शबनम केस जो है, और शबनम की फांसी को बदल करके करने होने वाला है उम्र कैद। जी हाँ, फांसी को बदल करके उम्र कैद होने वाला है। ये एक सबसे बड़ी खबर मैं आपको अभी के समय दे रहा हूँ, जिसे सुन करके आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं दो ऐसे तथ्य आपको बताने वाला हूँ, दो ऐसे कारण बताने वाला हूँ जिससे मतलब होने वाला है फांसी से उम्र कैद में। दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जो मुझे लगा कि सबसे पहले हम लोगों को अपने चैनल पर डालना है और उसके बाद ही कहीं और दूसरे जगह जाए, क्योंकि हमारा जो व्यूअर्स है, जो हमेशा से देखते हैं, उनको सबसे पहले पता चलना चाहिए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, बता दूं आपको कि शबनम केस में जो है दया याचिका वो राज्यपाल के पास, आनंदीबेन पटेल के पास पड़ा था, लेकिन आनंदीबेन पटेल ने उस जो याचिका है उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना कि आनंदीबेन ने उस याचिका, दया याचिका जो है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करके वो किसी और को दिया है। किसके पास दिया है ये भी आपको जानने को मिलेगा और क्यों दिया गया। दोस्तों, शबनम ने जेल में जितने साल गुजारे हैं उसका समय आ चुका है अब। यानी कि शबनम ने जितने साल 13 से 14 साल जेल में बिताए हैं, उसमें उसने क्या क्या किया, 13 से 14 साल में कैसा व्यवहार रहा, क्या किसी को तकलीफ़ दी गई या फिर अपने आप को तकलीफ़ दी गई या उसके वजह से किसी और को तकलीफ़ हुई, काम किस तरह से किया गया, पैसे कितने कमाए गए, ये सब कुछ का लेखा जोखा अब होने वाला है। क्योंकि अब जो दया याचिका जो है वो ट्रांसफ़र करके सीधा चला गया है जेल अधिकारी के पास। जी हाँ, जेल के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, जेलर जो होते हैं, वो उसके पास चला गया है। आनंदीबेन पटेल ने उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया और कहा गया है कि इसके ऊपर आप सही निर्णय लो। जी हाँ, क्योंकि आनंदीबेन पटेल के पास कोई भी, जो कह सकते हैं ये 13 से 14 साल के बीच में शबनम ने किस तरह से जिया जेल में, उसके कोई भी लेखा जोखा नहीं है। एक ही आदमी के पास होता है, वो है जेलर, क्योंकि जेल में उसने 13-14 साल बिताए हैं। तो अब क्या करेगा जेलर, अब करने वाला है जेलर कि उस 13-14 साल को खंगालेगा, देखेगा कि शबनम ने अपना जीवन किस तरह से बिताया, क्या ऐसो आराम से बिताया या फिर जो है वो अपनी कठिनाइयों से अब पछतावा के रूप में, ये सब कुछ देखने वाला है और परखने वाला है जेलर। तो अब बहुत ही जल्द अब जेलर के ऊपर ये निर्णय डाल दिया गया है गवर्नर के द्वारा। यानी अब जेलर डिसाइड करेगा कि इसको उम्र कैद में बदलना है या फिर फांसी ही रहने देनी है। तो इसका अब बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है एक बड़ा सा न्यूज़ कि उम्र कैद हो गया या फिर फांसी होगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बड़ी खबर आने वाली है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।